सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पे यदि आपको कोई भी कॉल करता होगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिस्प्ले शो होता होगा, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर यदि कॉल आ रही है तो इस तरीके का यहाँ पर शो हो रहा है। हम सभी के मोबाइल फ़ोन के अंदर इसी तरीके से शो होता है, जो कि सिंपल सा लगता है, बोरिंग सा लगता है, काफ़ी पुराना सा है। पर दोस्तों, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, 3D में ला सकते हैं। किस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ला सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आपके पास यदि कोई जब भी कॉल करेगा तो आपके सामने यहाँ पर आपके डिस्प्ले पे इस तरीके का शो होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया सा लगता है देखने में। आप अपने मन के मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर लगाना चाहें एनिमेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं इस तरीके का एनिमेशन कि आपको यदि कोई कॉल करे तो आपके डायलर पर इस तरीके का शो हो, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या करना होगा इसके लिए, कौन सी है ये एप्लीकेशन, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जानने के लिए आप बने रहें वीडियो पे, बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बाजू में घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर इनकमिंग कॉल डिस्प्ले को चेंज करना, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया 3D एनिमेशन में कि जब भी कॉल आएगी तो आपके यहाँ पर 3D एनिमेशन शो होगा, तो वो मैंने किस तरीके से किया, क्या करना होगा इसके लिए, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहाँ पर मेरे फ़ोन पर देख पा रहे हैं कि ये है वो एप्लीकेशन, तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, क्या क्या इसके अंदर सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और इस तरीके से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोड लेगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके का पेज। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये परमिशन के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर इसको एक एक करके यहाँ पर परमिशन दे देना है, यहाँ पर अलाउ कर देना है, फिर ये कॉन्टैक्ट बोल रहा है इसको भी अलाउ करना है, फिर इस तरीके से ये देखिए ऑफ रहता है, इसको भी आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑन कर देना है, इस तरीके से फिर बैक हो जाना है। और जैसे ही आप बैक होंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूछेगा चेंज डिफॉल्ट डायलर ऐप, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको ओके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डायलर पर लगाना तो यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए, आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी थीम शो होने लगेंगी, जो भी थीम आप यहाँ पर चाहें उस थीम को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर थीम देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पर थीम देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। आप अपने मन के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया था। तो इसमें आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो आपके सामने इसी तरीके से डिस्प्ले शो होगा, एनिमेशन आएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप भी अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये होता है, वीडियो का ये जो नाम लिखा हुआ होता है टाइटल, इसके सामने आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर टच करना है और नीचे की तरफ आना है, जहां पर यहां पर लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप क्लिक हियर, और नीले कलर से ब्लू कलर से आपको यहां पर एक लिंक देखने मिलेगी। जैसे ही आप इस लिंक पे टच करेंगे तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, इसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बाजू में घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।